लोग आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है त्यागी पे। ये हमारे साथी हैं, ये अपना परिचय देंगे। मेरा नाम वर्ष्या, मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। मैं इस नाटक में बच्चे का रोल निभा रही हूँ। मेरा नाम पूजा है, मैं क्लास 6 की छात्रा हूँ। मैं इस नाटक में 40-45 साल के आदमी का रोल निभा रही हूँ। मेरा नाम प्रिया, मैं क्लास 6 की छात्रा हूँ। मैं इस नाटक में पेड़ का रोल निभा रही हूँ। मेरा नाम प्रिया है, मैं क्लास 6 की छात्रा हूँ। मैं इस नाटक में पेड़ का रोल निभा रही हूँ। मेरा नाम गोल्डी है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम पंछी है, मैं कक्षा 1 की छात्रा हूँ। मैं इस नाटक में बच्चे का रोल निभा रही हूँ। मेरा नाम उजाला है, मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मैं इस नाटक में पेड़ का रोल निभा रही हूँ। मेरा नाम खुशी है, मैं क्लास 5 की छात्रा हूँ। मैं इस नाटक में जवान का रोल निभा रही हूँ। मेरा नाम संध्या है, मैं क्लास 7 की छात्रा हूँ। मैं एक बूढ़े का रोल निभा रही हूँ। मेरा नाम दीक्षा, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं इस नाटक में पेड़ का रोल निभा रही हूँ। यह नाटक आपको 5 भागों में दिखाया जाएगा। यह नाटक त्यागी पेड़ के बारे में है। एक घना जंगल था, उस घने जंगल में एक आम का पेड़ था। घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव का छोटा लड़का रामू उस पेड़ के साथ रोजाना खेलने जाया करता था। आप देखने जा रहे हैं पहले भाग में कि एक छोटा लड़का रामू आम के पेड़ के साथ कैसे खेल रहा है। वो उस पेड़ पर चढ़ता, आम खाता और बाद में आराम से उस पेड़ के नीचे एक नींद की झपकी लेता। रामू को पेड़ के साथ खेलना अच्छा लगता तो उस आम के पेड़ को भी खुशी होती। अब आप देखने जा रहे हैं दूसरा भाग की। अब वह लड़का रामू थोड़ा बड़ा हो गया, पेड़ के पास बहुत दिनों के बाद आता है। पेड़ और रामू में क्या क्या बातचीत होती है आइए देखें। आओ रामू बेटा, मेरे साथ खेलो। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं पेड़ के साथ नहीं खेलता। अब मुझे खिलौने चाहिए, इसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? मेरे पास पैसे पहने गहने के लिए मेरे पास आम है, बेच तोड़ सकते हो, बाजार में बेच सकते हो, पैसे कमा सकते हो। आप देखने जा रहे हैं तीसरा बाकी। अब वह लड़का बड़ा हो गया, पेड़ के पास बहुत दिनों के बाद आता है। पेड़ लड़के में क्या क्या बातचीत होती है आइए देखें। आओ रामू बेटा, मेरे साथ खेलो। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं पेड़ के साथ नहीं खेलता। अब मुझे अपने परिवार के लिए कुछ काम करना है, मुझे घर बनाना है। क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? घर तो नहीं दे सकते, मेरी शाखाएं काट करके आप घर बना सकते हो। देखने जा रहे हैं चौथा बाकी। वह लड़का 40-45 साल का आदमी बन चुका है और वह पेड़ के पास दोबारा से आता है। आदमी और पेड़ में क्या क्या बातचीत है आइए देख। आ रामू बेटा, मेरे साथ खेलो। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, अब मुझे नौकायन करना है, उसके लिए बोट की जरूरत है। क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो? बोट तो नहीं दे सकते, मेरा तना काट करके आप बोट बना सकते हो। अब आप देखने जा रहे हैं पांचवा बाकी। अब वह आदमी बूढ़ा हो चुका है, पेड़ के पास बहुत दिनों के बाद आता है। पेड़ और बूढ़े में क्या क्या बातचीत है आइए देखें। रंग बेटा, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा है, आम भी बहुत दिनों के खत्म हो चुके हैं। आम खाने के लिए अब मेरे पास दांत भी नहीं बचे हैं। आपके खेलने के लिए अब शाखाएं भी नहीं बची हैं। मैं कमजोर भी हो गया, मुझसे चला नहीं जाता, बस आराम करने की जरूरत है। पेड़ की जड़ें आराम के लिए बहुत अच्छी होती हैं, आओ मेरे पास बैठ जाओ। आप लोगों ने देखा कि एक पेड़ हमें जीवन भर देता ही रहता है पर हमसे कुछ भी नहीं लेता और हम उसे बेदर्दी से काट भी देते हैं। अगर हम एक पेड़ लगा ना सके तो उसे काटना भी नहीं चाहिए। इसलिए पेड़ लगाओ, पृथ्वी बचाओ, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ।